प्रस्तुत है डायमंड की तस्करी। डायमंड दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है। एक ग्राम डायमंड की कीमत 4.5 लाख रुपए है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायमंड कितनी महंगी है। इस वजह से डायमंड के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक लोग पड़े हुए रहते हैं। डायमंड सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा डायमंड रूस के पास है। साल 2022 के सर्वे में पाया गया कि 600 मिलियन कैरेट डायमंड रूस ने रिजर्व करके रखा है। भारत डायमंड के कारोबार में ज्यादा सफल नहीं हो सका। इस बिजनेस में साल 2010 में नीरव मोदी ने कदम रखा था, लेकिन इस बिजनेस में खतरा इतना ज्यादा है कि नीरव मोदी टिक नहीं पाए और नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हुए। उसके बाद नीरव मोदी भारत से भागकर लंदन चले गए। इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, पैसों की हेरफेर, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और गबन का आरोप लगाया और भगोड़ा घोषित कर दिया। नीरव मोदी की नागरिकता बेल्जियम की थी और भारत की भी। डायमंड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर रिंग में एक इंसान की खून होती है। इस पर एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी बनी है जिसका नाम है ब्लड डायमंड। यह फिल्म आधारित थी द स्टेट ऑफ ब्लड बुक से, जिसका लेखक अफ्रीका का रहने वाला था और उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। कैसे कैसे सिर्फ एक डायमंड चुराकर वह लंदन भाग कर आता है और उसने अपनी पहली किताब लिखी थी द स्टेट ऑफ ब्लड। डायमंड माफिया को समझना है तो कोयला माफिया झारखंड से समझिए, जैसे कि मिनरल पर अधिकार सरकार का होता है और सरकार किसी बड़े माफिया को कोयला निकालने का काम देता है और बड़े माफिया कम पैसों में खदान के आसपास वाले इलाके के लोगों को काम पर रखता है। उसके बाद आते हैं छोटे माफिया, जो लोग खदान में काम करते हैं उनके साथ मिलकर रात में खदान को खोदते हैं और उसमें निकलने वाले डायमंड को दुनिया भर के डायमंड माफिया के पास भेजा जाता है। जो डायमंड चुरा कर लाए जाते हैं उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर तस्करी करते समय पकड़े गए तो जान से हाथ धोना भी पड़ता है। जिन्हें खदान से डायमंड निकालने का काम मिलता है वह पुलिस वाले नहीं हैं, जो जुर्माना लगाते हैं वे लोग होते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े माफिया, जो छोटी छोटी बात पर गोली मार देते हैं। कुछ माफिया जबरदस्ती लोगों को बंदूक दिखाकर खदान से डायमंड की तस्करी करते हैं। हालांकि अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा डायमंड था, लेकिन लंदन, अमेरिका और यूरोप ने अफ्रीका को ऐसा बना दिया है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब होते चले गए। सबका भला कर रहे यह दिखाकर इन लोगों ने अफ्रीका को पूरी तरह से लूट लिया। अब चाइना भी धीरे धीरे इंटर कर रहा। अगर कोई भी देश अफ्रीका का भला कर रहा उसका मतलब साफ होता है डायमंड। अभी हाल ही में चाइना ने पूरे अफ्रीका में रोड बनवा दिया, इसमें चाइना का क्या फायदा था। लेकिन चाइना इनडायरेक्ट डायमंड तक पहुंचना चाह रहा था। इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स अफ्रीका में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ट्रायल कर रहे था या अभी भी चल रहा है। अफ्रीका में प्रोजेक्ट चलाने का सबसे बड़ा फायदा है अगर कोई गलती हुई और कोई मर गया तो कोई भी देश हला नहीं करेगा। मीडिया को अफ्रीका तक पहुंचने नहीं दिया जाता, जिससे कभी पता नहीं चलता कि अफ्रीका में क्या हो रहा है। क्या आपको पता है इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले 99% वीडियो में डुप्लीकेट डायमंड रिंग होते हैं। ऐसा ही खेल नीरव मोदी खेल रहे थे। उनकी कंपनी के लिए प्रचार करने वाली एक एक्ट्रेस को सारे डुप्लीकेट डायमंड और ज्वेलरी दिए थे। एक दिन वह एक्ट्रेस एक दुकान में गई अपने डायमंड रिंग को बेचने के लिए, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। दुकानदार से जब डायमंड को चेक किया तो पता चला वह डायमंड नकली था। इसके अलावा और सारे ज्वेलरी भी नकली ही निकले थे। नीरव मोदी लुटने में किसी को नहीं छोड़ा था। जब इसके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ तब नीरव मोदी का पतन शुरू हुआ। अफ्रीका में पाए जाने वाले डायमंड बहुत ही बेशकीमती होते हैं, जिसे सिर्फ दुनिया के कुछ अमीर लोग ही खरीदते हैं। बाकी इंटरनेट में पाए जाने वाले वीडियो में नकली होते हैं। ऐसी चीजों का पता बहुत ही कम लोगों को होता है, जिस वजह से औरतों को नकली डायमंड देकर आसानी से मूर्ख बनाया जाता है और उनसे शादी भी कर ली जाती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं।
असली डायमंड रोलेक्स घड़ी में ज्यादातर होता है महंगी चीजें औरत के गले में नहीं बल्कि मर्द के हाथ में होता है, जिस पर ध्यान कभी भी किसी चोर या माफिया को नहीं जाता। इसके अलावा डायमंड बेल्ट में होता है, जिसे अमीर लोग पहनते हैं। बहुत ही कम महिला होती है जिसके हाथ की रिंग ओरिजिनल होती है। डायमंड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में इतना रिस्क होता है कि जो डायमंड इंपोर्ट हो रहा होता है उसमें सारे नकली माल भेजे जाते हैं और ओरिजिनल को स्मगलिंग के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। डायमंड माफिया के बीच में कभी भी भरोसे का सौदा नहीं होता, सिर्फ सामान का सौदा होता है। अगर डायमंड नकली हुआ तो जान जाने की संभावना 100% होती है। अफ्रीका के खदान से डायमंड स्मगलिंग करने का मतलब होता है नर्क से जिंदा बाहर आना। हर तरफ 16-17 साल के बच्चे होते हैं, AK-47 बंदूक पकड़कर, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता और न आप उन्हें कुछ समझा सकते हैं। वे लोग सिर्फ आदेश का पालन करना जानते हैं और बंदूक चलाना उन्हें बस चाहिए होता है। किसी को गोली मारकर दबदबा बनाने की इससे उसके दोस्त और भी इज्जत देने लगते हैं।